नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नज़र आज की हेडलाइन पर। 50 साल में एक भी चुनाव नहीं हारे शरद पवार, मासूम के सामने पिता को गोली मारी, गर्लफ्रेंड ने किया इग्नोर तो बॉयफ्रेंड ने चला दी गोली। अब खबरें विस्तार से। राजनीति में 50 साल से भी ज्यादा समय, 14 चुनाव और एक भी चुनाव में नहीं हारे शरद पवार की शख्सियत को बयां करने के लिए यह काफी है। वह भारतीय राजनीति के ऐसे मंझे हुए महारथी है जिन्हें मात देना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन सा है। खास तौर से महाराष्ट्र में उनके वर्चस्व का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वह खुद भले ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जिन सीटों पर वह चुनाव लड़ रहे हैं वे आज भी NCP के पास ही है। दिल्ली के उस्मानपुर में बदमाशों ने रविवार रात क्लस्टर बस के ड्राइवर हकीमुद्दीन की उसके 5 साल के बेटे के सामने हत्या कर दी। स्कूटी पर आए बदमाशों ने 8 राउंड फायरिंग की। घटना के पीछे पुराना विवाद बताया जा रहा है, जिसमें पहले भी एक हत्या हो चुकी है। ड्राइवर की पत्नी का कहना है कि हमलावरों में एक महिला भी थी। आगे की जांच पुलिस कर रही है। पंजाब के लुधियाना से बॉयफ्रेंड द्वारा गर्लफ्रेंड पर गोलीबारी करने की घटना सामने आई है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आरोपी ने अपनी गर्लफ्रेंड पर इसलिए गोली चला दी क्योंकि वह उसे इग्नोर करने लगी थी। जानकारी के अनुसार दोनों के बीच अक्सर लड़ाइयां भी होती रहती थी। रविवार को लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करके बुलाया और कहा कि वे मिल बैठ कर इस झगड़े को खत्म करते हैं। लेकिन जब लड़की ने आरोपी लड़के से मिलने आई तो लड़के ने उस पर 2 बार फायरिंग कर दी। अब आरोपी पुलिस की हिरासत में है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।